तो मंदिर भी जिसकी जो आजादी मजहबी आजादी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं ओ हो मंदिर तो तोड़ देंगे, ओ हो ये नहीं तो वो नहीं, नहीं, लेकिन हाँ। देखें मंदिर वो उनकी मजहब की जब आजादी है तो अपने मजहब के मुताबिक जो करते रहे। हमारा अपना मजहब ये है कि हम दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, जो अल्लाह के हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अगर दोस्तों नमस्कार, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सारे विधि विधान से कर दिया है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लोग भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर सिर्फ भारत में ही जश्न नहीं मनाया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों में जश्न का माहौल है। सारे लोग खुश हैं, सारे लोग दीपक जला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राम मंदिर बनने से सारे लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद राम भगवान के जन्म स्थल पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है और विधिवत उसका पूजा अर्चना किया गया है। अब सारे लोग, पूरी दुनिया और पूरे भारत से लोग राम मंदिर में राम भगवान का दर्शन करने जा सकेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इसका विरोध करेगा और पाकिस्तान कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान से राम मंदिर के पक्ष में आए हैं। तो आज हम लोग मिलकर एक वीडियो देखने वाले हैं जिससे एक आदमी राम मंदिर के पक्ष में बात कर रहा है, वह क्या कहना चाह रहा है और वह क्या कहता है, चलिए मिलकर देखते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद। इससे पहले ये बात देखें, उन्होंने इंटरनेशनल विजिट किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा टूर किया है, तो वो ये बात करेंगे भाई पूरी दुनिया में इससे हम ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी चलाक तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन वो फ्रॉड करने में इंटेलिजेंट हैं। ये मेरे लिए शर्म वाली बात है, ये मेरे लिए दुख वाली बात है। नहीं, आज जो है अब तो हम फ्रॉडुलेंट ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा। कि हमारे यहाँ चूंकि एक तो हमारे अखबारों में अपना जितना भी हमारे जो मीडिया है उसमें सिर्फ जो डिस्कशन चल रही है मास वाय पॉलिटिकल हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जो हम कर रहे इल्जाम की वजह से और अपने ही ऐप को आयां करने की वजह से हम पूरी दुनिया में सिर्फ ये मशहूर हैं, बल्कि चोर तो हमारी पूरी वर्ल्ड में कि चोर चोर ही कह रहे हैं, तो वो ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिशियन को कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो है ये चोर के वर्ड्स टैग लग गए। ठीक है, और अगर नेबर की बात करें उनका क्या टैग है इस टाइम पे, इस टाइम जैसे वो दुनिया की पांचवी इकॉनमी बन के बड़ी, अपने लिए वो बेहतर है। ठीक है, अपने लिए सोचते हैं तो अपने लिए सोचना है ना, हमें चाहिए हम अपने लिए सोचें। हम अपने लिए नहीं सोचते ना। ठीक है, हम अपने इस कंट्री के बारे में नहीं सोचते, हमारे पास ट्रैक नहीं, हमारी जनरेशन के पास ट्रैक ही नहीं है। ठीक हो, अच्छा ये ट्रैक किसने देना है? मैं बहुत से स्किल होता है हर बंदे के अंदर, स्किल के साथ अगर ट्रैक मिल जाए ना कि किधर जाना है फिर, तो फिर बंदा ग्रो, फिर पाकिस्तान कंट्री भी ग्रो करेगा और फिर उससे उस इंडिविजुअली भी फायदा होता है और कंट्री को भी फायदा होता है। जी असल में मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ना हमने एक ट्रैक दिया है आवाम को सस्टेनेबल कम्युनिटी पे। ठीक है, तो उस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज हर आदमी इस टाइम सस्टेनेबल कम्युनिटी की तरफ जाए, ठीक है, और पाकिस्तान खुद हर चीज मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद से करने की कोशिश करे, अपनी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, अपनी टेक्नोलॉजी को, आवाम भी जो है ना आवाम ये सोचती है कि ये मुल्क ही करके हमें दे, हमने खुद ना हम बैठे हैं। जिसे भी पूछें जी पाकिस्तान आज इस कंडीशन में उसका जिम्मेदार कौन है, आंखें बंद करके कह देंगे जी वो गवर्नमेंट या कुछ इदारों का नाम ले लेंगे। हम गवर्नमेंट के ऊपर थोपते हैं हर चीज, बिजली देगी गवर्नमेंट देगी, गैस देगी गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ने पानी नहीं दिया, हम अपने मजहब को भी काफी हम जो हमें यूज किया जाता है मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर चीज में हमें वो मजहब डाल दिया जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही है। ठीक है ना, हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं। ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट। ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है। जी हाँ जी जी, सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात याद रखें। मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो जिंदगी है और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं इसके अंदर भी दीन को लाया जाए। मसलन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दीन को इस तरह लाऊं कि उस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें बताया कि कारोबार यूं करें, ताजर यूं होंगे, ताजर यूं होंगे, सच्चे ताजर। अच्छा, क्या हमारे मजहब में ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना है? ये है ना, क्यों नहीं है? अच्छा, आलमे दीन एज ए आलमे दीन क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया, आप क्या कहते हैं मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है में तो मजहब की आजादी है। हाँ, ये देखिए, देखिए हम अगर मुसलमान हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ हम जिस तरह मुसलमान हिंदू भी रहते हैं, मस्जिद तो बना ली शबर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था,
बरसों से नमाजी बन ना सके, हम सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद ना रहे, सिर्फ मस्जिद तक, जिसका जो मजहब है उसे आजादी दें, जिसका जो मजहब है उसको वो आजादी दें, बाकी ये टेक्नोलॉजी पे क्या कहते हैं उलमा इकराम का भी काम है। और जिस तरह हम कहते हैं ना आवाम का फला आदमी कर रहे हैं, फला यूँ कर रहे हैं, उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मदारिस के अंदर, में मदारिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन वफाकुल मदारिस के जो तहत जितने भी इदारे आ रहे हैं तकरीबन 4 से 5 हज़ार यही होंगे पाकिस्तान में। क्या आप ये बताएं कि हर मदरसे के अंदर कंप्यूटर सिखाया जाता है इस टाइम? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। और साइंसी हवाले से भी टेक्नोलॉजी PhD करवाई जाती है, ठीक है, और मुख्तलिफ वो स्किल्स के जो आम इदारे भी शायद आपको पाकिस्तान के चंद इदारे ही दे रहे हैं, ठीक है। एक मदरसे एक ही छत के तले इंसान दीन भी सीख रहा है, दुनिया भी सीख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज है, असल है। इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कहा करता हूँ, अपने उलमा इकराम को कहा करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे कहा करता हूँ कि आप सिर्फ मस्जिद मदरसे तक महदूद ना रहें, बल्कि आए दुनिया में आए, एक आलम दीन हो और साथ साइंसदान भी हो, एक आलम दीन हो साथ PhD भी हो, एक आलम दीन हो साथ डॉक्टर भी हो, एक आलम दीन हो और साथ दुनियावी हर मामले बिजनेसमैन भी हो। अच्छा, ठीक है, ये सब सर मेन चीज़ों की तरफ अक्सर उलमा इकराम को भी ला रहा हूँ, ठीक है। मेरी हमेशा जब भी मीटिंग्स होती हैं, जब उलमा इकराम के साथ बैठना होता है, मैं हमेशा इसी की तरफ इस चीज़ की तरफ ला रहा हूँ। इनसे बात करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वाकई में अब हमारे मदरसों में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि भाई हम मस्जिद बनाएंगे तो मंदिर भी, जिसकी जो आज़ादी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं ओ हो मंदिर तो तोड़ देंगे, ओ हो ये नहीं तो वो। लेकिन हाँ, देखें मंदिर वो उनकी मजहब की जब आज़ादी है तो अपने मजहब के मुताबिक जो करते रहें। हमारा अपना मजहब ये है कि हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो अल्लाह के हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। अगर तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में राम मंदिर पर चर्चा हो रहा है, वहीं पर लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सारी फ्रॉडगिरी हो रही है, पूरी दुनिया में फ्रॉड करने में पाकिस्तान सबसे आगे है, वहीं पर चोरी में भी खुद कह रहे हैं कि चोरी में पाकिस्तान सबसे आगे है। लेकिन यहाँ पर एक लोग कह रहा है कि खुश नसीबी से हम लोग मुसलमान में जन्म ले लिए हैं, लेकिन मुसलमान वाले कोई गुण हम में नहीं है। अरे भाई, जन्म लेने से नहीं होता है, आपको जानना और समझना चाहिए, कोई भी चीज़ आपके करने से होता है। और खुद वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे जो हुक्मरान हैं और सारे लोग हैं आराम परस्त हैं, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वहीं पर एक आदमी अंत में राम मंदिर बनने की खुशी जाहिर कर रहा है और वह भारत के पक्ष में बोलता है कि भारत में मजहब की आज़ादी है, इसलिए भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, वे अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जिएगा, हम मुसलमान हैं हम अपने हिसाब से जीते हैं, भारत के लोग हिंदू हैं मुसलमान हैं वे लोग अपने हिसाब से जीते हैं, उसे जैसे अच्छा लग रहा है वह सही कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से यह पाकिस्तानी भारत के समर्थन में आता है, जो कि अच्छी बात है। यह पाकिस्तानी यह भी कह रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी जब अपने हिसाब से जी सकते हैं तो भारत के लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जिएंगे। इस तरह से यह पाकिस्तानी काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के लोगों की ऐसी राय होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, कॉमेंट में बताइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों के राय ऐसे होंगे पाकिस्तान में, अधिकतर लोग राम मंदिर के विरोध में ही बोलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।